देखें, देर आर अ फ्यू प्लेयर्स हु आर वर्किंग ऑन द लोकल कॉन्टेंट ऑल्सो. आई हैव बीन टॉकिंग टू पीपल लाइक कन्वर्ज टेक्नोलॉजीज एंड ऑल. दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग गुड पोर्टल्स बेस्ड ऑन लोकल कॉन्टेंट एज वेल एज जो बाहर का कॉन्टेंट है. लेकिन पाकिस्तान में एक तो कॉन्टेंट अवेलेबल नहीं है. एट द सेम टाइम जो हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को पढ़ने का शौक़ नहीं है इतना. सही है, अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ में चले जाते हैं, इवन आप मूवीज़ की बात कर लें, हम लोग बाहर की मूवी ज़्यादा देखते हैं बनिस्बत अपनी मूवी के. तो अब जो कंटेंट दुनिया में ड्राइव हो रहा है, अगर मैं यूथ सेगमेंट की बात करूं जो आपका 50% ऑनलाइन है ऑडियंस, उसके इंटरेस्ट का जो कंटेंट है वो बाहर का ही कंटेंट है, वो पाकिस्तानी कंटेंट नहीं है. सही, पाकिस्तानी पॉप का कंटेंट, जैसे अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं, यस पॉप का कंटेंट है, वो पढ़ना भी चाहेंगे उसके बारे में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है. दे ऑल्सो वॉन्ट टू कीप ट्रैक ऑफ मूवीज़ जो बाहर से आ रही हैं, उनका म्यूज़िक, उनकी रिंग टोन्स. सही है, तो देर इज़ अ मिक्स दैट इज़ अवेलेबल राइट नाउ विद ये जो मैंने अभी आपसे बात की कि मोबाइल इंडस्ट्री में काम हो रहा है काफ़ी इसके ऊपर, और वही कॉन्टेंट फिर वो ऑनलाइन लाने की भी बात करें. लोकली अगर उस कॉन्टेंट की भी मैं बात करूँ जो यहाँ पे इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट फॉर द यूथ ऑडियंस, वो भी अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि लिखने वाले भी इतने अच्छे अवेलेबल नहीं है हमारे पास. ये हमारा डिलेमा है पाकिस्तान में, इसी वजह से कभी कॉन्टेंट डिवेलप ही नहीं हुआ. कि आप इवन पब्लिकेशन हमारी देख लें, उनमें भी आपको क्वालिटी राइटिंग का जो है ना फुकदान नज़र आता है, जो अगर आप कंपेयर करें अगेन किसी बाहर के पब्लिकेशन से कंपेयर करें तो वो बहुत हाई क्लास राइटिंग होती है जिसको लोग पढ़ना चाहते हैं. तो यहाँ पे इंटरेक्ट कर ही नहीं पाता राइटर अपनी ऑडियंस के साथ, तो इसलिए वो इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होता. तो लोकल पोर्टल्स को वी वर टॉकिंग टू MSN, दे आर प्लानिंग टू कम टू पाकिस्तान. अब वो हमें कह रहे हैं कि हमें जी लोकल कॉन्टेंट चाहिए. अब उनको मैं क्या सजेस्ट करूँ, देर इज़ नो लोकल कॉन्टेंट अवेलेबल इन पाकिस्तान. है ऑनलाइन तो ऑफलाइन ही नहीं है, तो ऑनलाइन तो उनको कहाँ से रेकमेंड करें. तो अब वही है कि पीपल हैव टू पुट इन सम हार्ड एफर्ट. जिनके पास है दे डोंट नो वॉट टू डू विद इट. फॉर एग्जाम्पल कुछ पब्लिकेशन हैं जिनकी ऑनलाइन ब्रांड्स बहुत अच्छी इस्टेब्लिश हो गई इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट. कुछ अखबार हैं पाकिस्तान में, कुछ चैनल्स हैं जिनका ऑनलाइन कॉन्टेंट बहुत अच्छा है. सही है, लेकिन दे डोंट नो वॉट टू डू विद इट, बिकॉज हर एक को यहाँ पर वेबसाइट बनानी तो आ गई है. नो बडी नोज हाउ टू build a portal around it.